रहे थे फिनॉल, ठीक है। फिनॉल में हमने कुछ अम्लीय सामर्थ्य को डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो अम्लीय सामर्थ्य है उनमें हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, जैसे कि अम्लीय सामर्थ्य एलिफैटिक और एरोमेटिक में देखा था। तो एलिफैटिक जो एल्कोहल्स होते हैं जिनमें OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है, ऐसे में उसकी अम्लीय सामर्थ्य एरोमेटिक एल्कोहल यानी कि फिनॉल से कम होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का ऋणावेश जो होता है इसके साथ में बेंजीन वाला भी द्विस्थानीकरण प्रदर्शन करता है, तो अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा होता है। और ऑक्सीजन का ऋणावेश होने के कारण क्या करता है, वो फिनॉल का जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो हाइड्रोजन है उसको आसानी से निष्कासित कर देता है। तो ये सब हमने पॉइंट डिस्कस किए थे। इसके अलावा कुछ पॉइंट है, जैसे कि हमने एक पढ़ा था कि फिनॉल में जो फिनॉक्साइड आयन बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और उस आयन की जो स्टेबिलिटी होती है वो अम्लीय सामर्थ्य को भी बढ़ाती है, ठीक है। तो ये जो फिनॉक्साइड आयन है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और फिर ये नेगेटिव चार्ज जो है पूरे बेंजीन वाले में ही अनुनादी संरचनाओं द्वारा जो है द्विस्थानीकृत होता रहता है और अनुनादी संरचनाओं को बताता है। तो इस तरह से फिनॉल में हमने फिनॉक्साइड आयन को देखा था, उसकी अनुनादी संरचनाओं को भी देखा था, ठीक है। अब आते हैं, एक पॉइंट और है, हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे। फिफ्थ पॉइंट है आपके कि फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन इनमें भी अम्लीय सामर्थ्य किस पे ज़्यादा है। एक है फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, O-, ठीक है। एक है फिनॉक्साइड आयन जिसमें माइनस चार्ज जो है राउंड अप हो रहा है, ठीक है। एक है फिनॉल जिसमें ये OH ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी क्या है, ऋणावेश आ जाता है और माइनस चार्ज जो है यहाँ पर द्विस्थानीकृत हो जाता है। इसमें ये बताया जाता है कि जब इसको भी एक ऊर्जा आरेख के द्वारा अगर समझें तो यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि जो जैसे जैसे डेल एच का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे यहाँ लेते हैं हम C6H5OH यानी कि फिनॉल। फिनॉल में भी अगर फिनॉल के अनुनादी संरचना लें तो उसकी एनर्जी जो है, और एक इसकी फिनॉक्साइड आयन की एनर्जी है, ठीक है, इसमें भी फिनॉक्साइड आयन की एनर्जी जो है डेल एच का मान जो है कम आता है, क्योंकि C6H5O-, ठीक है, प्लस एच प्लस, और एक यहाँ पे आता है C6H5O, यानी कि यहाँ पे जो ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है फिनॉल का, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर ये माइनस चार्ज। तो इस आरेख द्वारा हमें ये पता चलता है कि इसमें भी जो फिनॉक्साइड आयन है उसकी अम्लीयता ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर फिनॉल में यहाँ पर प्लस चार्ज का ऑक्सीजन होता है, इस वजह से हाइड्रोजन का निष्कासन करता है और अम्लीय सामर्थ्य दिखाता है, अम्लीयता भी दिखाता है, लेकिन फिर भी फिनॉक्साइड आयन जो है ज़्यादा स्टेबल हो जाने के कारण, ठीक है, और इसकी जो अनुनादी संरचनाओं के कारण ये ज़्यादा ही स्थायी होता है, और ये जितना ज़्यादा स्थायी है उतनी इसकी एंथैल्पी का मान या ऊर्जा का मान जो है कम होता है, ठीक है। तो ऐसे में अगर फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन की तुलना की जाए तो हमें ये मिलता है कि फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा अम्लीय सामर्थ्य दिखाता है और उतना ही जल्दी रिएक्टिव हो जाता है, और रिएक्टिव होने के कारण ये जो है आसानी से अभिक्रियाएं संपन्न करता है, ठीक है। इनके अलावा एक पॉइंट और है, सिक्स्थ पॉइंट, जिसमें कि इन ग्रुप्स के अलावा भी जो कुछ ग्रुप हैं जिनकी अम्लीय सामर्थ्य जो है ज़्यादा होती है, यानी कि फिनॉक्साइड आयन तो है ही है, लेकिन इनके अलावा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बनिक अम्ल है, ठीक है, तो इनकी जो अम्लीय सामर्थ्य का मान ज़्यादा होता है।
कार्बोक्सिलिक अम्ल सी ओ ओ एच है, ठीक है। ऐसे में जब ये विखंडित होगा सी ओ ओ माइनस और एच प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज़्यादा है, नेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण इनमें अम्लीयता का गुण भी अधिक होगा, तो ये फिनॉल से भी ज़्यादा अम्लीयता दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ है यौगिक अणु जैसे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल, ठीक है। अभी हम फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं को अगर लें तो किस तरह से ये अनुनादी संरचना दिखाता है, ठीक है। शिफ्ट हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर घूमेगा, ठीक है। तो हमें अनुनादी संरचना ये मिल गई। उसके बाद में यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा और ये माइनस चार्ज इधर आएगा, माइनस चार्ज यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड ओ एच यहाँ पे प्लस चार्ज रहेगा, ठीक है। और ये हमें मिलता है इस तरह से। उसके बाद में यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, मेन पॉइंट क्या निकलेगा कि यहाँ पर जो माइनस चार्ज है वो घूम रहा है और यहाँ OH जो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज लेकर घूम रहा है, इस वजह से हाइड्रोजन जो आसानी से निष्कासित करेगा और अम्लीयता प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो ये आपके हो गया सिक्स्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट था क्या, फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन में अम्लीय सामर्थ्य किसकी ज़्यादा है, ठीक है। और सिक्स्थ पॉइंट आपके था कि जो फिनॉल है उनमें जो ऋणावेश आ जाता है, ठीक है, इनके अलावा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है और कार्बनिक अम्ल है तो इनकी अम्लीय सामर्थ्य फिनॉल से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपके सेवन पॉइंट है आपके प्रतिस्थापियों का इफेक्ट का प्रतिस्थापी के प्रभाव में दो पॉइंट है आपके, एक है इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूहों का फिनॉल पे जुड़ जाना, एक है इलेक्ट्रॉन विकर्षी या प्रतिकर्षी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आकर्षी का अट्रैक्ट करना, विकर्षी अट्रैक्ट नहीं करना, ठीक है। तो विकर्षी जो प्रतिकर्षण रिपल्शन बताएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम दो टाइप के आकर्षीय और विकर्षी प्रतिस्थापी जो लेते हैं, यानी कि अगर फिनॉल है, फिनॉल के ऊपर कोई आकर्षी ग्रुप या प्रतिकर्षी या विकर्षी ग्रुप जुड़ जाए तो उसके कारण अम्लीयता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम पढ़ेंगे। आकर्षी ग्रुप जैसे कि सी ओ ओ एच है, NO2 है, CHO है, ठीक है, और विकर्षी में OCH3 और NH2, ठीक है, एमीन ग्रुप जो है, तो एल्डिहाइड या फिर यहाँ पर कोई हैलोजन है जैसे कि क्लोराइड है, तो इस तरह से जब ये आकर्षी ग्रुप जुड़ जाते हैं तो अम्लीयता, अगर आकर्षी ग्रुप जुड़ते हैं यानी कि आकर्षी ग्रुप होने से इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करेंगे और अपनी ओर आकर्षित करने की वजह से उनमें अम्लीय सामर्थ्य का मान और अधिक होगा, जैसे कि हमने ये फिनॉल की रिंग ली, ठीक है, इसमें हमने ग्रुप जोड़ दिया NO2,
ठीक है, तो इसकी अम्लीय सामर्थ्य कम होगा। नॉर्मल फिनॉल से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इसके साथ जैसे जैसे प्रतिस्थापी बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अम्लीय सामर्थ्य का मान भी बढ़ता जाता है, अगर इनकी क्रियाशीलता को देखा जाए अम्लीय सामर्थ्य। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी NO2 जुड़ गया, यहाँ भी NO2 जुड़ गया। ठीक है, तो ऐसे में इसका प्रतिकर्षण NO2 दो ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं, ठीक है, फिर अगर इसमें एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो इनके अम्लीय सामर्थ्य का मान वैसे वैसे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप जुड़े हुए रहेंगे वैसे वैसे अम्लीय सामर्थ्य का मान बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे ये आकर्षी समूह कम होते जाएंगे वैसे वैसे ही इनका अम्लीयता का मान भी कम होता जाएगा। इनके अलावा जो ये NO2 प्रतिस्थापी जो जुड़े हुए हैं नाइट्रो ग्रुप, तो इनके आकर्षी ग्रुप का पैरा देन ऑर्थो देन मेटा, पैरा ऑर्थो देन मेटा। ठीक है, तो अगर फिनॉल ग्रुप में पैरा पोजीशन पे अगर NO2 जुड़ा हुआ है तो वो ज़्यादा अम्लीय सामर्थ्य दिखाएगा ऑर्थो से। ठीक है, और ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है तो ज़्यादा सामर्थ्य दिखाएगा मेटा पे, तो पैरा ऑर्थो मेटा। इस तरह से नाइट्रो ग्रुप का जो अम्लीय सामर्थ्य का मान चलता है। ठीक है, तो इनका नॉर्मल फिनॉल्स अम्लीय सामर्थ्य का मान क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इन पर जो है इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, अभी अगर हेलोजन ले लें तो हेलोजन की जो क्रियाशीलता होती है वो हमें पता है कैसे होती है, एफ सी एल बी आर आई नेगेटिविटी जो होती है। ठीक है, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की। तो ऐसे में जब ये फ्लोरीन फिनॉल पर जुड़ जाएगा, फिनॉल पर जब फ्लोरीन ग्रुप जुड़ेगा तो इसकी अम्लीय सामर्थ्य का मान भी अधिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन के साथ में अंतर अणु हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेता है, और इस बंध का निर्माण करने से इसकी अम्लीय सामर्थ्य का मान घट जाता है। तो सबसे ज्यादा अम्लीय सामर्थ्य होगी फ्लोरीन की, यानी कि यहाँ पे जब Cl जुड़ा हुआ होगा फिनॉल पे तो इसकी अम्लीय सामर्थ्य, देन उसके बाद में Br की अम्लीय सामर्थ्य का मान होगा क्लोरीन की अम्लीय सामर्थ्य से कम होगा, देन आयोडीन का उससे भी कम होगा। उसके बाद में अगर हम फ्लोरीन लेना चाहें, ठीक है, तो हम ले सकते हैं। तो इस तरह से हम अम्लीय सामर्थ्य हैलोजन्स में देख सकते हैं। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में। ठीक है, अभी अगर फिनॉल ग्रुप है इसमें इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप NO2 जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप है तो ये भी क्या करता है, अनुनादी संरचना देता है। किस टाइप की, जैसे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाएगा, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, ठीक है, और ये माइनस चार्ज यहाँ पर घूमेगा, यहाँ पर N O2, ठीक है, तो यहाँ बॉन्ड कैसे हो जाएंगे इस तरह के, ठीक है, अब ये माइनस चार्ज यहाँ आएगा, ठीक है, तो ये माइनस चार्ज अगर यहाँ आता है तो ऐसे में जो संरचना बनेगी O माइनस, ठीक है, ये माइनस चार्ज यहाँ आ गया, यहाँ पर N जुड़ा हुआ है तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ठीक है, O
सॉरी अभी नहीं, ठीक है। ये जो मैं माइनस चार्ज यहाँ आया, माइनस चार्ज यहाँ आया तो एन ओ डबल बॉन्ड ओ, तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रहेगा इसके ऊपर, ठीक है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो होगा यहाँ आ जाएगा और ये माइनस चार्ज यहाँ, और ये जो नेगेटिव चार्ज है आगे जो ये बंद है, ये बंद तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज देगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से बंद होंगे, ठीक है, माइनस चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, एन यहाँ दोनों की सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे, दोनों पे ही माइनस चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे जो प्लस इस पे आ जाएगा और यहाँ दोनों पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बाद में यहाँ पे ये जो माइनस चार्ज है आगे को शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये माइनस चार्ज आएगा यहाँ पे और ये फिर से एन ओ टू बन जाएगा, और इस तरह से फिर इसकी अनुनादी संरचना NO2 और ये माइनस चार्ज फिर से ऊपर, ये माइनस चार्ज यहाँ बनता रहेगा, इस तरह से ये अनुनादी संरचनाएं दिखाते हुए इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप स्थायित्व प्रदर्शित करता है और अम्लीयता को भी दर्शाता है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉन विकर्षी। इलेक्ट्रॉन विकर्षी यानी कि हम अगर CH3 जोड़ दें फिनॉल पे तो वो इलेक्ट्रॉन विकर्षी हो जाएगा, और साथ ही हमने ये नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह क्या है, ये रिसॉल्व मेटा पोजिशन पे है तो मेटा क्रिसॉल्व, ऑर्थो पे है तो ऑर्थो क्रिसॉल्व, और पैरा पे है तो पैरा क्रिसॉल्व, ठीक है। तो इस तरह से हम एक क्रिसॉल ग्रुप लेते हैं, तो इसमें अम्ल सामर्थ्य का मान जो होता है मेटा पैरा और ऑर्थो होता है, मेटा देन पैरा और देन ऑर्थो, तो इसमें अम्ल सामर्थ्य का मान सबसे ज्यादा मेटा पोजीशन पे देन पैरा पे देन ऑर्थो पे होता है, ठीक है। अभी अगर फिनॉल पे सेकंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर जुड़ जाए, यानी कि अगर डायहाइड्रिक फिनॉल ली जाए, ठीक है, यानी कि जब OH जुड़ेंगे इसके अंदर तो सबसे ज्यादा अम्ल सामर्थ्य जो होगी मेटा पैरा देन ऑर्थो, मेटा पैरा देन ऑर्थो, जैसे क्रिसॉल की थी वैसे के वैसे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं और इनके अम्ल सामर्थ्य का मान इस तरह से होगा, सबसे ज्यादा मेटा का देन पैरा का देन ऑर्थो। तो अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी और इलेक्ट्रॉन विकर्षी को लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ठीक है,
फिनॉल, पैरा क्लोरोफिनॉल, देन यहाँ पे है फिनॉल की अम्लता है ये, उसके बाद है क्रिसॉल की, और उसके बाद में मेथॉक्सी, पैरा मेथॉक्सी, ठीक है। तो इस तरह से पैरा मेथॉक्सी जो है उसकी अम्ल सामर्थ्य का मान आएगा, ठीक है। अब आते हैं, तो यहाँ पर अम्लीय सामर्थ्य जो है कंप्लीट होता है। इनके हमने काफ़ी पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, तो हमें अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो हम इजीली कर सकते हैं कि किसकी अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है। आगे आते हैं रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। रिएक्शन ऑफ फिनॉल, रिएक्शन ऑफ फिनॉल में फोर टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। फर्स्ट नंबर है जिसमें ये अभिक्रियाएं जिनमें ओ एच बंद का टूटना होता है, यानी कि जो बेंजीन वाले हैं, बेंजीन वाले पर जो हाइड्रोक्सिल बॉन्ड उसका ओ एच बॉन्ड टूटना। एक है सी ओ एच, जैसा कि हमने एल्कोहल में पढ़ाई था, सी ओ एच वे अभिक्रियाएं जिनमें सी ओ एच ग्रुप टूटता है, ठीक है। और थर्ड है संघनन अभिक्रियाएं, ठीक है। और फोर्थ है बेंजीन वाले की अभिक्रियाएं, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेते हैं जहाँ पर डी अभिक्रियाएं जिनमें कौन सा बॉन्ड टूटता है, ओ एच, ठीक है। फर्स्ट नंबर अभिक्रियाएं, इनमें हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें पता है जब फिनॉल जो है क्षार से, प्रबल क्षार से जब रिएक्शन करता है तो हमें क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। ओ एन ए, ये प्लस चार्ज है माइनस, ठीक है, जो कि स्थायित्व स्थायित्व प्रदर्शित होता है और अम्लीयता को भी बढ़ाता है। तो इसका जो फिनॉक्साइड रूप है वो ज़्यादा स्थायी होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा अम्लीयता दर्शाता है और क्या बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो यहाँ पर किस बंध का अभिक्रिया में किस बंध का विखंडन हुआ, यानी कि ओ एच बंध के मध्य जब ये विखंडन हुआ, तो ऐसे में तो प्रबल क्षार के साथ में, फिनॉल की जब प्रबल क्षार के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो हमें क्या मिलता है, फिनॉक्साइड आयन। इसके अलावा अगर इसकी रिएक्शन गणीय रिएजेंट के साथ में करवाई जाए तो हमें क्या मिलेगा, एल्केन्स, यानी कि MgBr। ये रिएक्शन जब होगी तो हमें मिलेगा, इसकी भी हमने रिएक्शन कर की थी, OMgBr, ठीक है। फिर वापस से इसको OMgBr और जोड़ देते हैं तो हमें, ठीक है। तो इस तरह से हमें फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिला, ठीक है। और यहाँ पर ओ एच बंद का टूट गया और एल्केन हमें मिल गया, ऐसे सी एच थ्री प्लस दिस एच, ठीक है। और यहाँ पर हमें, तो ये है फिनॉल,
है, और मेथेन मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर गिरनर एजेंसी इसकी रिएक्शन करवाएगी, ठीक है, जहाँ पर ओ एच बंद का विखंडन हुआ और हमें एल्केन मिले और बेंजीन या फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमें प्राप्त होता है। अब अगर इनकी एस्टर का निर्माण, ठीक है, सेकेंड में इसमें एस्टरों का निर्माण, एस्टरों का निर्माण जिसमें कि एस्टरिफिकेशन जो होता है वो किनके प्रेजेंस में होता है, किनके साथ होता है, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब एसिटिल क्लोराइड के साथ में इसमें क्या रिएक्शन होगी, सबसे पहले प्रबल क्षार के साथ में जब ये रिएक्शन होगी तो ये डायरेक्ट एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन नहीं होती है, ये प्रबल क्षार की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, यानी कि हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। तो फिनॉल की हमेशा से जो रिएक्शन होगी, सबसे पहले फिनॉक्साइड आयन बनेगा, उसके फिर एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे प्लस Cl COCH3, एसिटिक क्लोराइड से जब ये रिएक्शन कर पाए तो यहाँ पर NaCl और COCH3 इस पर जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, फेनिल एसीटेट OCOCH3। अब अगर इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाई जाए एनहाइड्रेट, तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक अम्ल निकल जाएगा और ये रिएक्शन जो होती है वो भी प्रबल क्षार के प्रेजेंस में होती है, ठीक है, और फेनिल एसिटेट हमें मिल जाएगा। प्रबल क्षार पर ये प्रबल क्षार हम लेंगे, ठीक है, ये बन गया फेनिल एसिटेट, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये H जो है इसके साथ में H जो है OCOCH3, COOCH3, ठीक है। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल निकल जाएगा और फेनिल एसिटेट हमें मिल जाता है, ये रिएक्शन प्रबल क्षार की प्रेजेंस में की जाती है। तो हमने एस्टरिफिकेशन में एसिटिक क्लोराइड के साथ में, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, अभी एसिडिक एसिड के साथ में भी अगर इसकी रिएक्शन करवाई जाए CH3COOH, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होगी हमें मिलेगी, इसमें H2O निकल जाएगा और ये H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ से OH इस तरह से निकल जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, फेनिल एसिटेट फिर से COCH3 और वाटर निकल जाएगा।
पैकेजिंग मेंजल क्लोराइड के साथ में की जाए, यानी कि CLCO पेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये HCl निकल जाएगा और हमें फेनिल बेंजोएट मिलेगा, फेनिल बेंजोएट यानी कि OCO ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, फेनिल बेंजोएट और HCl निकल जाएगा प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो इस तरह से हमें फिनोल की रिएक्शन होती है। इससे आगे हम करेंगे सिंथेसिस ऑफ ईथर या फॉर्मेशन ऑफ ईथर। तो जब फॉर्मेशन ऑफ ईथर हम करते हैं तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस हम पहले भी अल्कोहल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। SN2 रिएक्शन जो होती है, ये रिएक्शन जब होगी तो फिनोक्साइड आयन की जब एक एल्किल हैलाइड के साथ में, यानी कि सबसे पहले तो फिनॉल की रिएक्शन होगी डबल श्यार के साथ में, ठीक है। रिएक्शन हुई, हमें मिला फिनोक्साइड आयन, ठीक है। अब इस फिनोक्साइड आयन की जब रिएक्शन करवाई जाएगी एल्किल हैलाइड के साथ में, यानी कि कोई भी एल्किल हैलाइड ले सकते हैं, और Cl ले लो तो ये NaCl निकल जाएगा और ये हमें मिल जाएगा फिनोक्साइड, ठीक है। और इस फिनोक्साइड आयन की अगर CH3 2SO4, डाइमेथिल सल्फेट, ठीक है, तो डाइमेथिल सल्फेट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मेथिल फेनिल ईथर मिलता है, ठीक है। OCH3, ठीक है, मेथिल फेनिल ईथर, मेथिल या इसको क्या बोलते हैं, एनिसोन, ठीक है। तो ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, ठीक है। SN2 रिएक्शन जो फॉलो होती है, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, एनी सॉल। अगली रिएक्शन है जिसमें फिनॉल की डायजोमेथोन मेथेन के साथ में रिएक्शन अगर कर रहा है, यानी कि फिनॉल की डायजोमेथेन के साथ में, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे OCH3 जुड़ जाएगा, ये भी ईथर का निर्माण है OCH3, ठीक है, और ये N2 निकल जाएगा, तो हमें क्या मिल गया, फिर से NSO जो Thank you.
मेथिल फेनिल ईथर, ठीक है, मेथिल फेनिल ईथर। तो इस तरह से हमारी ये सीओ बंद की रिएक्शन फिनिश होती है। आगे की रिएक्शन कल करेंगे।